हेलो चिल्ड्रेन, आज मैं आप सबको कालिदास की कहानी सुनाने जा रही हूँ। आई होप कि ये आपको पसंद आएगा। कालिदास वाज द कट पोएट ऑफ किंग विक्रमादित्य ऑफ उज्जैन। ही रोट मेनी प्लेस एंड पोएम इन संस्कृत। कालिदास एक दरबारी कवि था। किंग विक्रम आदित्य ऑफ उज्जैन, उज्जैन के जो राजा थे विक्रम आदित्य, उन्हीं के राज दरबार में यानी दरबारी कवि था ये कौन, कालिदास। ही रोट मेनी प्लेस एंड पोएम इन संस्कृत, और इन्होंने बहुत सारे संस्कृत में पोएम लिखे और गाए। देयर इज अ ब्यूटिफुल स्टोरी ऑफ हाउ कालिदास गॉट हिज नेम। It also tells us how he became a great poet. He could not go to school because he was very poor. He had to tend his father's sheep. उनका नाम कालिदास कैसे पड़ा और वो कैसे एक great poet बने। He could not go to school क्योंकि वो कभी school गए ही नहीं थे और वे बहुत ही गरीब थे। उसके फादर ने बहुत सारे शीप को चराने के लिए उसे दिया करते थे। इन अ नियर बाय सिटी लिव्ड अ किंग हु हैड अ ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट डॉटर। हर नेम वास विद्यावती। शी सेड, हूएवर कैन आंसर माय क्वेश्चन विल बी माय हस्बैंड। पासी के शहर में एक किंग हु हैड अ ब्यूटिफुल, एक राजकुमारी, राजा की बेटी जो कि बहुत ही खूबसूरत और इंटेलिजेंट थी, जिसका नाम विद्यावती था। उसने कहा था कि जो मेरे सवालों के जवाब देगा वही मेरा हस्बैंड बनेगा, वही मेरा हस्बैंड बनेगा। और वो लड़की बहुत ही इंटेलिजेंट और ब्यूटीफुल भी थी और इंटेलिजेंट भी थी। पासी के एक नगर में एक राजा की बेटी थी जो कि बहुत ही खूबसूरत और इंटेलिजेंट भी थी, जिसका नाम विद्यावती था। और उसने ये कहा था कि अगर जो मेरे सवालों का जवाब देगा वही मेरा पति बनेगा। मेनी किंग्स वेरियस एंड लर्न मैन ट्राइड टू आंसर हर क्वेश्चन बट दे कुड नॉट। दे हैड टू गो अवे डिसअपॉइंटेड। शी लव्ड एट देम। दे वेयर वेरी एंग्री विथ हर। दे वांटेड टू टीच हर लेसन। और बहुत सारे राजा महाराजा आए और उसके सवालों के जवाब देने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। और वो जो रानी थी उस पर वो हंसी, और इसलिए वो जितने भी योद्धा थे और जितने भी विद्वान थे उस नाराज हो गए और वे चाहते थे कि उसे एक सबक सिखाना चाहते थे। वन डे सम डिसअपॉइंटेड लर्न मेन सा अ यंग शेपर्ड सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री। ही वॉज कटिंग इट। दे थाउट हाउ फुलिश दिस यंग शेपर्ड इज। ही इज कटिंग ऑन द ब्रांच ऑन विच ही इज सिटिंग। सून ही विल फॉल डाउन। एक दिन जो भी डिसअपॉइंटेड लर्न मैन थे, विद्वान थे, उसने देखा कि एक जवान चरवाहा एक पेड़ के शाखा पर बैठा हुआ है। ही वॉज कटिंग इट, और वो उसे काट रहा है। दे थाउट, उसने सोचा कि कितना फुलिश यंग शेपर्ड है, कितना बेवकूफ चरवाहा है कि जिस डाल पर वो बैठा है उसी डाल को वो, उसी शाखा को वो काट रहा है, और जल्द ही वो नीचे गिर गया। सून ही विल फॉल डाउन, और जल्द ही वो नीचे गिर गया। Suddenly they had an idea. They made a plan. They asked him to go with them to the city. He agreed to do so. There they gave him tasty food to eat and delicious buttermilk to drink. उसको अचानक से एक आइडिया आया, किसको, जिसको लर्न मैन को और वेरियस को अचानक से आइडिया आया कि, और उसने एक प्लान बनाया और उस शेपर्ड, यंग शेपर्ड से पूछा कि वो, दे आस्क हिम टू गो विथ देम टू द सिटी, सिटी के, सिटी चलने के लिए उसने एक, उससे पूछा, और
कि तुम सिटी चलोगे मेरे साथ। ही एग्री टू डू सो, और वो एग्री हो गया साथ चलने के लिए। देयर दे गेव हिम टेस्टी फूड टू ईट, डेलिशियस बटर मिल्क टू ड्रिंक। और जब वो जाने के लिए रेडी हो गया और जब वो उसके घर पहुंचा तो उसने उसे खाने के लिए टेस्टी फूड दिया, डेलिशियस बटर मिल्क पीने के लिए दिया। देन ही स्लेप्ट ऑन अ सॉफ्ट बेड, और वो सॉफ्ट बेड पर सो गया। व्हेन ही गॉट अप दे, जैसे ही वो उठा, तो उसे दे बाथेड हिम, रब्ड ऑयल इनटू हिज स्किन एंड देन स्प्रिंकल्ड परफ्यूम ऑन हिम। तो उसे नहलाया, उसकी स्किन, उसकी त्वचा पर तेल मला। दे ड्रेस्ड हिम इन फाइन क्लॉथ्स एंड टाइड अ वाइट एंड गोल्ड टर्बन ऑन हिज हेड, और उसे अच्छा कपड़ा दिया, उसे अच्छा कपड़ा मतलब पहनाया, और उसे एक सोने की पगड़ी, सफेद सोने की पगड़ी उसके सर पर बांधी। द पुअर इलिटरेट, और जो जाहिल इलिटरेट शेपर्ड था, नाउ लुक लाइक अ ग्रेट स्कॉलर, और वो एक पढ़ा लिखा विद्वान लग रहा था। उसके बाद देन दे सेड टू हिम, लिसन शेपर्ड, और उसके बाद शेपर्ड से कहा, लिसन शेपर्ड, सुनो चरवाहे।